Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope you all are fine. Today, in this activity class, we are going to do something that is related to Eid. As you know that Ramzan is almost going to finish. And after Ramzan, Eid al-Fitr will come. Eid is a very important occasion in द लाइफ ऑफ मुस्लिम्स. हम मुसलमान रमज़ान के रोज़े रखते हैं और उसके बाद हमारे पास एक दिन आता है जो कि है ईद का दिन. ईद के दिन हम लोग बहुत खुश होते हैं, सब लोग बहुत खुश होते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं और बहुत खुशी से हम लोग ये टाइम स्पेंड करते हैं. आज हम लोग जो एक्टिविटी बनाने जा रहे हैं वो बहुत सिंपल सी है और वो है एक ईद कार्ड. अब ईद कार्ड आप किसको दे सकते हैं? आप किसी को भी दे सकते हैं. अभी तो क्योंकि लॉकडाउन है तो आप अपने किसी फ्रेंड को ईद कार्ड नहीं दे सकते, तो एक काम करते हैं, ईद कार्ड बनाते हैं और अपने घर में मामा बाबा भाई बहन किसी को भी हम लोग ये ईद कार्ड दे सकते हैं, या पूरी फैमिली को हम एक ईद कार्ड बनाकर दे सकते हैं और वो लोग कितने खुश होंगे कि हमारे बच्चे ने हमारे लिए कितना अच्छा सा ईद कार्ड बनाया है. तो चलें स्टार्ट करते हैं. इस ईद कार्ड को बनाने के लिए मेरे पास हैं ये कलर पेपर्स, ब्लू, वाइट, ब्लैक, लाइट ब्लू और येलो. इसके लिए मुझे ग्लू भी चाहिए, पेंसिल, सीज़र और मेरे पास यहाँ पे ये स्टार कटर है. मैं आपको बताना शुरू करती हूँ इसको कैसे बनाएंगे हम. सबसे पहले मैंने ये लाइट ब्लू कलर का पेपर लिया है, इसको मैं यूँ हाफ में फोल्ड करने वाली हूँ इस तरीके से. ये हमारा कार्ड की शेप आ गई है. यूँ हाफ में फोल्ड करके इसको अब हम रख देंगे. नेक्स्ट आप अपना पेपर लें. हमें तीन क्लाउड्स बनाने हैं तो मैं वो तीन क्लाउड्स बना रही हूँ इन तीन कलर्स के, डार्क ब्लू, वाइट और ब्लैक. इन तीनों के ऊपर पहले मैं क्लाउड बनाऊंगी और फिर बाद में हम उसे कट कर देंगे. तो मैं आपको बताती हूँ एक के ऊपर के क्लाउड कैसे बनेगा. जिस किसी भी तरीके से आप क्लाउड बना सकते हैं ईजिली वैसा बना लें. ये देखें, इसमें एक क्लाउड बड़ा होगा, दूसरा उससे छोटा और तीसरा सबसे छोटा, ताकि हम उसे कट करके तो अपने ईद कार्ड के ऊपर पेस्ट कर सकें. ये मेरा वाइट के ऊपर क्लाउड है, ऐसे ही सेम बड़ा, इससे थोड़ा सा बड़ा क्लाउड मैं ब्लू पे बनाऊंगी और उससे छोटा क्लाउड मैं बनाऊंगी ब्लैक पर. ओके, तो ये मैंने अपने तीन क्लाउड्स तीन डिफरेंट साइजेस में काट लिए हैं. ये मेरे हैं तीन क्लाउड्स. अब मैंने ले लिया अपना कार्ड जो मैंने पेपर अपना फोल्ड किया था. इस पेपर पर हम अपने क्लाउड्स रखेंगे, सबसे बड़ा, फिर उसके ऊपर यूँ छोटा और फिर हमारा सबसे छोटा क्लाउड. ऐसे ये हमने क्लाउड्स रखने हैं और इनको हमने ग्लू के साथ यहाँ पर पेस्ट कर देना है. ये है हमारा क्लाउड. इसी तरीके से हम अपने बाकी दो क्लाउड्स भी पेस्ट कर देंगे. एक क्लाउड को थोड़ा सा दूसरे क्लाउड के ऊपर रखकर मैंने ग्लू के साथ यहाँ पर पेस्ट कर दिया है. अब हम क्या करने वाले हैं, हम बनाएंगे स्टार्स. अब स्टार्स बनाने के डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास. एक तो किसी भी कलर के चाहे आप स्टार बना लें, मैं यहाँ पे येलो कलर यूज़ कर रही हूँ. मेरे पास ये है स्टार कटर, इसे मैं अगर पेपर में यूँ रखूँ
और यूँ मैंने प्रेस किया तो मेरे पास ये एक छोटा सा स्टार आ गया। आप चाहें तो ये स्टार यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप पेंसिल के साथ स्टार ड्रॉ करके तो सीज़र के साथ उसको कट कर लें इस तरीके से। स्टार ड्रॉ किया और उसके बाद सीज़र के साथ उसको कट कर लिया। अगर इससे भी इजी ऑप्शन चाहिए है तो आप क्या करें, कोई भी मार्कर या ब्लैक पॉइंटर या ब्लैक पेन ले लें आप, और आप अपने स्टार्स ड्रॉ कर सकते हैं उसके साथ। अब मैं आपको बताती हूँ, मैं ये यूज़ कर रही हूँ और मैं आपको फिर बताती हूँ इसको मैं क्या करने वाली हूँ। मैं कुछ स्टार्स ले लेती हूँ यहाँ पर। मेरे पास कुछ स्टार्स आ गए हैं। इन स्टार्स को अब मैं यहाँ पर ग्लू के साथ इस तरीके से कोई भी डिज़ाइन बनाकर आप इन्हें पेस्ट कर दें। ऐसे अब मैं बस इन स्टार्स के नीचे ग्लू लगाऊंगी और इन्हें यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी। ये देखिए मैंने लगा दिए हैं अपने स्टार्स। अब मैंने अपना ब्लैक पॉइंटर लिया और सिर्फ यूं सीधी सीधी लाइन्स ड्रॉ कर दी। स्केल रख के प्रॉपरली लाइन सीधी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर स्केल नहीं भी रखना तो आप बगैर स्केल के भी लाइन सीधी ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन्स ड्रॉ हो गई। अब हम इस पे बहुत ही प्यारा सा लिख देंगे ईद मुबारक। तो मैं पहले पेंसिल से लिख रही हूँ और उसके बाद उसे नीट करने के लिए आप मार्कर यूज़ कर सकते हैं या आप पॉइंटर के साथ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ईद मुबारक। पॉइंटर के साथ मैंने यहाँ पे लिख दिया ईद मुबारक। अब आप इसको खोल के इसके अंदर कोई भी मैसेज जिसको भी कार्ड देना चाहें उसके लिए लिख सकते हैं। और ये एक बहुत ही सिंपल सा ईद कार्ड हमारा तैयार है। आप चाहें तो इसको किसी और तरीके से भी बना सकते हैं, चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा एंड ईद मुबारक एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।